दोस्तों रक्षाबंधन कब है? अगर आपको नहीं पता है तो रक्षाबंधन जो है 30 अगस्त को मनाया जाएगा, 31 अगस्त को मनाया जाएगा। दोनों दिन भद्रा काल रहेगा, इसलिए राखी बांधने का जो शुभ समय है वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और भद्रा काल में आप लोगों को राखी नहीं बांधना है, क्योंकि 30 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा, 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा और 30 अगस्त को भी भद्रा काल रहेगा और 31 अगस्त को भी भद्रा काल रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का जो शुभ समय है 30 अगस्त का वो है रात्रि 9:01 के बाद वाला, यानी कि अगर आप लोग 30 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो रात्रि 9:01 के बाद बांधें, क्योंकि 30 अगस्त को भी भद्रा काल रहेगा और 31 अगस्त को भी भद्रा काल रहेगा। ऐसे में आप लोगों को राखी अगर 30 अगस्त को बांधना है तो रात्रि 9:01 के बाद या फिर 2 मिनट के बाद आप लोगों को बांधना है। उसी के साथ साथ मित्रों अगर हम बात करें 31 अगस्त को राखी बांधने का जो शुभ समय है वो है सुबह के 7:05 से पहले ही आप लोगों को राखी बांध देना है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग 31 अगस्त को बिल्कुल शुभ समय पर राखी बांधना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है सुबह 6:30 के बाद राखी बांधना है, क्योंकि सुबह के 7:05 के बाद जो है भद्रा काल लग जाएगा और भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी जो है रावण की बांधी गई थी। आप लोग इतना तो समझदार हैं ही, तो आप लोगों को अगर रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाना है तो 6:30 के बाद मनाना है और सुबह के जो है 7:05 से पहले ही मना लेना है। और उसी के साथ साथ 30 अगस्त को आप लोगों को रक्षाबंधन रात्रि 9:01 के बाद या फिर 2 मिनट के बाद आप लोगों को मनाना है। तो मित्रों रक्षाबंधन पर 2 दिन आप लोगों को भद्रा काल मिलेगी, दोनों दिन जो है भद्रा काल रहेगी, इसलिए जो मैंने शुभ समय बताया है उसी में आप लोग रक्षाबंधन मनाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए और आप लोगों के परिवार के लिए अच्छा दिन व्यतीत हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक